नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। आज हम लोग और एक डे का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, दैट इज 6 फरवरी। तो डेली वाइज जो है करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है, तो ज़रूर आप देख लीजिए। तो आज ये जो फर्स्ट है टॉपिक हम लोग का, देख लीजिए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, वो सऊदी अरब के लिए गए, ऑफिशियल विजिट था। यहाँ पे उनको जो है नेशनल हेरिटेज एंड कल्चरल फेस्टिवल जनाद्रिया, ये इनको इनॉग्रेशन करना था, और इंडिया जो है ये गेस्ट बने हैं इस कंट्री फेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर टू में देख लीजिए, इंडिया सक्सेसफुली जो है अग्नि 1 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल, वो टेस्ट फायर कर चुकी है। ये मिसाइल कहाँ से हुआ था? अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोर्ट से जो है ये फायर किया गया। ये कंडक्टेड बाई किसने किया? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी ने किया। इसका रेंज जो है 700 किलोमीटर है। ये दिस इज 18 वर्जन ऑफ अग्नि 1, और ये सरफेस टू सरफेस सिंगल स्टेज मिसाइल है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर थ्री में, कैब हेलिंग ओला ने गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ एक MOU साइन किया है, एक ऐप बेस्ड रिवर टैक्सी सर्विस गुवाहाटी में लॉन्च करने के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा? आपका जो जहाँ पे 45 मिनट्स रोड का टाइम लगता है, वो 2 से 5 मिनट तक ले आएगा। और ये जब हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एडवांटेज आसाम जब चल रहा था, उसी में ये MOU साइन हुआ। नेक्स्ट आ जाते, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का 980 फ्लाइट्स इन 24 आवर्स, और ऑलमोस्ट 1 फ्लाइट एवरी सिंगल ए में। और ये जो है अभी इम्पॉर्टेंट हो, और जबकि गैटविक UK का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट रिमेन्स द मोस्ट एफिशियंट सिंगल रनवे एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाते, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ क्या लॉन्च कर रहे हैं? दस्तक। क्या है? दस्तक क्या करेगा? इराडिकेट डेडली एक्यूट इंसेफलिटी सिंड्रोम एंड जापानीज इंसेफलिटीज डिजीज इन द स्टेट। ठीक है, दस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कॉमर्स मिनिस्टर किक्स ऑफ कंसल्टेशन ऑन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर चर्चा स्टार्ट हो गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने स्टार्ट कर दिया है। स्वीडन ने $370 मिलियन एड दिया है UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है गाइज। नेक्स्ट देख लो, द मालदीव प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमन स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिए हैं कंट्री के, बहुत आर्म फोर्स भेज दिया है टॉप कोर्ट के अगेंस्ट, एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद अरेस्टेड, पॉलिटिकल क्राइसिस हो चुका है वहाँ पे। फॉर्मर मालदीवन जो प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद, इंडिया को बोला गया है उनको हेल्प करने के लिए और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसको सॉल्व आउट करने के लिए। इसके साथ देखिए, ज़रूर ये स्ट्रैटेजी का याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ करेंटी का होता है तो उसका कैपिटल उसका करेंसी पूछ लेता है। तो मालदीव का कैपिटल माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते, जीरोम एच पावल सॉन 16 चेयरमैन ऑफ फेडरल बन चुके हैं। ठीक है, ये किसके जगह लिए? जैनेट येलेन। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन टू लीड द US सेंट्रल बैंक। देखिए, ये जो है फेडरल क्या है? US का सेंट्रल बैंक। और ये सेंट्रल बैंक कब क्रिएट हुआ? दैट इज 23rd December 1913। ये भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 10, शुभंकर शर्मा हैज इमर्ज एज द बेस्ट इंडियन गोल्फर इन द वर्ल्ड, 72 पोजीशन मिल गया ऑफिशियल रैंकिंग में। और ही ओन मे बैंक चैंपियनशिप इन कुआलालंपुर मलेशिया। डस्टिन जॉनसन फ्रॉम USA इज करेंटली द वर्ल्ड नंबर 1 इन ऑफिशियल रैंकिंग। तो ये भी आपको याद रखेगा। तो चलिए गाइस, ये आज के था 6 फरवरी का। तो फिर हम लोग अपडेट कर देंगे, डेली वाइज आ रहा है, ज़रूर देखिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।